देखिए, लास्ट क्लास तक हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट कर दिया था। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बस एक ये छोटा सा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो डिस्कस कर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कल मैंने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी कि गैस में जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी, साथ एक आध मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का नाम बताना। साथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का नाम बताओ एक आध गैस की। नहीं याद है तो बताएगा मुझे गैस की कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, साथ अर्शद का भी सही है, अलीना का भी सही है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जो एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं आता पूरी गैस का प्रेशर आता है, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं आता पूरी गैस का टेम्परेचर आता है। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से डिराइव कर सकते हैं। सो पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप यही पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम से आप देखोगे कि प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा, इंटरनल एनर्जी आएगी, सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये सब हमें ड्राइव करना है। कल कुछ चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, लाइक गैस लॉ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब गैस लॉ के बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक्स लॉ, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस कर ली थी। अब देखो, आइडियल गैस क्या मतलब है? आइडियल गैस, आइडियल गैस का क्या मतलब? आइडियल गैस मीन्स ये वो गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इट सेटिस्फाई आइडियल गैस इक्वेशन। एंड व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनऑल। इसे आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसे जो भी गैस सेटिस्फाई करेगी उसे आप आइडियल गैस कहते हैं। अच्छा, अब किस गैस को आप आइडियल कहेंगे? सो कुछ अप्रोक्सीमेशन से, फॉर अ गैस टू बी आइडियल इट शुड सेटिस्फाई दीज कंडीशन। और आइडियल जो गैस होगी वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जिसमें से पहली कंडीशन है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल होगा। और दूसरी कंडीशन है नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगी, कोई फोर्स नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होगी। ये दो कंडीशन अगर कोई गैस सेटिस्फाई कर रही है तो उसे कहोगे आप दैट इज एन आइडियल गैस। नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब को आपके पास जितनी भी गैसेस हैं जो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी उसमें से कौन सी गैसेस जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी? कोई भी नहीं। एक भी ऐसी गैस नहीं है जो गैस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन सो नो रियल गैस सेटिस्फाई दीज कंडीशन। कोई भी रियल गैस ऐसी नहीं है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो आप क्या कहोगे? शफक सुनो सुनो सुनो, अभी आएगा। ना ना, नहीं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी रियल गैस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन
एक मिनट यार, एक मिनट। कोई भी गैस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो ये है आइडियल गैस शफक जो आप पूछ रहे हैं। सही मायनों में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, लेकिन अगर आप बहुत कम प्रेशर ले और बहुत हाई टेम्परेचर ले तो ये सब गैसेस है जो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, और इस कंडीशन, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी, पीवी इज इक्वल टू एनआर। अब इस चीज को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ग्राफिकली आप कैसे शो करोगे भाई? ये होता है पीवी इज इक्वल टू एनआर। आप आर को क्या लिख सकते हो? आर को हम लिख सकते हैं पीवी बाय एनटी। जो आर होगा गैस कांस्टेंट, दैट्स पीवी बाय एनटी। एक बात बताओ, प्रेशर चेंज करने से क्या आर पर इफेक्ट पड़ेगा? आर गैस कांस्टेंट है, क्या लगता है आप लोगों को? अगर मैं गैस का प्रेशर चेंज करूं तो क्या गैस कांस्टेंट चेंज होगा? चलो वेरी गुड, सब यही कह रहे हैं, गैस कांस्टेंट प्रेशर से चेंज नहीं होता। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं ऑन चेंजिंग प्रेशर पीवी बाय एनटी दैट इज आर विल नॉट। प्रेशर चेंज करने पर पीवी बाय एनटी चेंज नहीं होगा। ये किसी भी हाल में अगर आप गैस का प्रेशर चेंज करेंगे तो ये टर्म चेंज नहीं होगी फॉर एन आइडियल गैस। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई लिख लें तो बताइए कैसे रफ करते हैं। भाई लिख लो तो बताओ मुझे, इसको रब करते हैं। चलिए भाई लिख लिया।
PV/NT that is R, that is R gas constant. PV/NT gas constant equal है ना? PV/NT that is R. This will not change for an ideal gas. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक आइडियल गैस ले लूं तो गैस कर सकते हो जरा शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, PV/NT वर्सेस P ग्राफ। अगर मैं प्रेशर के साथ PV/NT को प्लॉट कर देता हूं, कोई है अकलमंद बच्चा जो बताया मुझे शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? वेरी गुड भाई, स्ट्रेट लाइन तो कई लोग बता रहे हैं लेकिन कहां होगी स्ट्रेट लाइन? किसी एक्सिस के पैरेलल होगी, सीधे जाएगी, कहां स्ट्रेट लाइन जाएगी? वेरी गुड साजिद, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर है ना, प्रेशर के पैरेलल होगी राइट। प्रेशर चेंज करते चले जाओ, PV/NT चेंज नहीं हो रहा। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, तो आप P चेंज करेंगे, PV/NT में कोई चेंज नहीं आएगा, PV/NT कांस्टेंट रहेगा। यही तो बताया था साथ अभी लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखा था ना, P चेंज करोगे PV/NT में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। बट अगर मैं रियल गैस लूँ ना, तो रियल गैस में आपको वेरिएशंस दिखेंगे। दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस वन इज फॉर अ रियल गैस। अगर मैं एक रियल गैस ले लूं तो ये दिखेगा आपको, ये रियल गैस का होगा टेम्परेचर T1। नेक्स्ट आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे, देखो ये यहां चला जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और चलता चला जाएगा। तो देखो ये चीज बता क्या रही है, ये चीज आपको सिर्फ ये बता रही है कि भाई ये आइडियल गैस है, रियल गैस है, आइडियल गैस का बिहेवियर आइडियल की तरह नहीं होगा, लेकिन तुम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो ये आइडियल गैस के करीब पहुंचता चला जाए। तो जो मैंने बताया था ना, एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करने लगती है, ये आइडियल बिहेवियर है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे 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 ना आइडियल के करीब जा रहे, ये बिहेवियर होगा। भाई बताइए ये आया आप लोगों के? चलिए इसको लिख लीजिए, अच्छा आप देखिए जरा आपको मोल कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आता है ना, कुछ चीजें यूज करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की। तो ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये मुझे नहीं बतानी चाहिए, फिजिक्स टीचर का काम नहीं होता ये, तो आप पूरे साल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए अगर स्मॉल m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, या अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो वन एटम, एन ए है एवोगैड्रो नंबर, एन ए है एवोगैड्रो नंबर, और कैपिटल एम है मास ऑफ वन मोल। तो इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं ना, वन मोल का मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री से। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे लिख लीजिए, मैं इन चीजों को यूज करूंगा, छोटी छोटी चीजें। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जैसे मैं कहूंगा वन मोल है मैं फौरन लिख दिया करूंगा पीवी इज इक्वल टू आरटी, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं ये पीवी इक्वल टू आर टू लिख दिया नहीं, बस वन मोल लिखूंगा उसके बाद मैं इसे पीवी इक्वल टू आरटी लिख दिया करूँ। इसे भी लिख लीजिए, लिखा
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सबसे पहले, ये तो बेसिक गैस लॉस थे जो आपको बताने थे। एक बात बताओ, अब तुम्हारा थोड़ा सा ना कॉमन सेंस है, आपके पास एक कंटेनर है उसमें कोई गैस फिल्ड है। मान लीजिए मैंने आपको एक ग्लास चैम्बर दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन फिल कर दी, कई मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, आपको क्या लगता है हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होगी या अलग होगी? अरे कुछ तो बता दो, कुछ तो लगता होगा। राहेब का गलत है, बाकी सब सही बता रहे हैं और मुबशरा भी गलत बता रही है। अलग होगी, डिफरेंट होगी, शफात डिफरेंट होगी। आपके पास बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग होगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती गैस की। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने ग्लास चैम्बर में ऑक्सीजन भर दी, मुझे ऑक्सीजन की स्पीड बताओ, तो आप पगला जाओगे, आप कहोगे कि अच्छा कौन से मॉलिक्यूल की स्पीड पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर 100,000 मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड रही हो, कि पहले के 1,000 मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ और है, अगले 10,000 मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ और है, तो परेशानी आएगी ना। एक एक मॉलिक्यूल की तो बताओगे नहीं, तुम कहोगे अच्छा इसमें 1 बिलियन मॉलिक्यूल थे, पहले मॉलिक्यूल 10 से जा रहा है, दूसरा 11 से जा रहा है, तीसरा 11.5 से जा रहा है, वो तो आप मुझे बताएंगे नहीं। आप तो मुझे क्या बताएंगे, एक एक मॉलिक्यूल की एवरेज बताएंगे, ये बता दो मुझे। देखो तो बताएगा ही नहीं, एवरेज बताओगे ना, मुझे एवरेज निकालोगे ना, एक एक मॉलिक्यूल को तो नहीं निकाल सकते, एवरेज निकाले तो हम वहीं से ना एवरेज स्पीड पढ़ते, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालते। कायनात लिखिए, लिख लीजिए, सारी स्लाइड की बात कर रही हैं आप, यहां से शुरू किया था। जी साथ बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स पर फोर्स भी होगा, करेंगे कैलकुलेट फोर्स भी, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड की बात करूं, बिल्कुल मॉलिक्यूल पर फोर्स होगा, आप बिल्कुल सही सोचा। तो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो इतना आप लोगों के जहन में आया कि भाई गैस मॉलिक्यूल जो होंगे हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग होगी, तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्यों साथ, आइडियल गैस क्यों नहीं होगी? अच्छा ना, गहरा सोच रहे हो भाई, आइडियल गैस में एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर सकती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर से मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा दूं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है साथ, बाहर से फोर्स एक्ट कर सकती है। जब हम कहते हैं ना फोर्स की बात, तो हम कहते हैं इंटरैक्शन, ऐसा नहीं होगा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर दे, लेकिन जब कोलाइड करेंगे तब तो फोर्सेस आएंगी। उसको कहने का रीजन ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स याद हो तो वहां मैंने बताया था इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती आइडियल गैस में, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन नहीं होते, बट कोलाइड करेंगे तो फोर्स तो एग्जर्ट करेंगे ना। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पहला। अब इसमें कई तरह की स्पीड लेंगे, कई तरह की एवरेज लेते हैं, पहला तो सिंपल एवरेज लेते हैं, हम कहते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इट्स रूट ओवर 8 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पाई इनटू इट। सॉरी, अब ये सब चीजें आपकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो मैं सब डिराइव नहीं करा रहा, और तो बहुत लेंदी डेरिवेशन नहीं होती बट टाइम लिमिटेड होता है तो सिलेबस के बाहर की चीजें की डेरिवेशन का मतलब नहीं बनता। 8 kbt का पाई, ये वी एवरेज आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गई गैस मॉलिक्यूल्स की। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां आपने स्मॉल एम यूज किया, स्मॉल एम मैंने पिछले डिफाइन कर दिया, बार बार डिफाइन नहीं करूंगा। स्मॉल एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एम इज मास ऑफ वन मोल। अब आप एक काम कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को कई तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए
अगर मैं एक काम करूं यार, रुको इसको मैं, इसी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा. इट्स 8 KBT इनटू एवोगैड्रो नंबर बाय पाई एम इनटू एवोगैड्रो नंबर. नहीं सर, यहाँ ऐसे आपको डिस्टेंस नहीं पता होगा, मैं यहाँ सब कुछ टेम्परेचर प्रेशर की टर्म्स में निकाल रहा हूँ. तो इट्स केबी इंटू एन ए और एम इंटू एन ए. Kb into Na क्या होगा? गैस कॉन्स्टेंट. M into Na क्या होगा? मोलर मास आ जाएगा. तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी, दैट एवरेज स्पीड इज रूट ओवर 8 RT. जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना. आप एक काम और कर सकते हैं भाई, फॉर वन मोल मैंने अभी लिखा था पीवी आरटी के इक्वल होता है, आरटी की जगह पीवी रख दीजिए तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी. इट्स रूट ओवर 8 PV बाय पाई एम. भाई बताओ इतना आया आपके समझ में या बिल्कुल नहीं आया? साथ नहीं आया ना? कहां से नहीं आया? ये तो मैं डिराइव कर ही नहीं रहा साहब, इसकी तो टेंशन ही मत लेना. करूंगा मैं डिराइव तो फिर तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि मैं अभी ये डेरिवेशन क्यों नहीं करा रहा. इसके बाद की चीजें आनी चाहिए. चलिए गुड, लिखिए इतना लिखिए, फिर और तरह की जरा एवरेज देखिए. फातिमा देखिए यहां तक आया 8 RT बाय पाई एम. ये होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो वन मोल लिया, एन कितना आ जाएगा? 1. तो पीवी इक्वल टू आरटी आ गया. तो इंस्टेड ऑफ दिस आरटी मैंने पीवी रख दिया. जी अब आया समझ में आपके? वी बाय एम को 1 बाय डेंसिटी भी लिख सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम तो कहीं नहीं है ना. अच्छा यहां से आप लिख रहे हैं? हाँ आप लिख सकते हैं, बस फिर ना आपको सिर्फ ये कहना पड़ेगा ये जो V वॉल्यूम है ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, आप डेंसिटी लिख सकते. चलिए इतना लिख डालिए. अच्छा अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज दे दे तो याद है एवरेज कैसे निकालते हैं? यही था ना तरीका, v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाय, यही होता है ना कि अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज दे दे और कहे एवरेज निकालो तो क्या करोगे? v1 v2 vn को ऐड कर दीजिए और उसे आप n से डिवाइड कर, V1, V2, Vn करते चले जाइए और n से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी. अच्छा एवरेज स्पीड के बाद देख लीजिए एक और टाइप का एवरेज होता है जिसे हम कहते हैं RMS. ये भी एक टाइप का एवरेज है, इसका नाम होता है, जी साहब आप मीन भी कह सकते हैं. ये जो सेकेंड टाइप का एवरेज है इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर. तो देखो रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है, आपको गैस की कई वेलोसिटीज दी हुई है, मैं कहता हूं आरएमएस कैलकुलेट कीजिए. तो देखो आरएमएस निकालने का तरीका क्या, पहले स्क्वायर करो, हर वेलोसिटी का स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, vn स्क्वायर. कई तरह के एवरेज होते हैं, आपने तो एक ही तरह का एवरेज पढ़ा होता है 10 तक. एक और एवरेज इसे आरएमएस कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर. बड़ा आसान सा काम है, पहले क्या करोगे स्क्वायर कर दो, सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर किया. नॉर्मल जो एवरेज लेते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐड कर एन से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने एन से डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैंने रूट ले लिया, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर. तो पहले स्क्वायर किया,
फिर मीन निकाला, फिर रूट लिया। भाई बताओ ये आया वीआरएमएस, इज अ टाइप ऑफ एवरेज, जैसे ये एवरेज है ना, ऐड करो एन से डिवाइड कर दो, ऐसी ही एक एवरेज है, आरएमएस एवरेज जिसे कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वाली। अरे भाई बता दो, आया नहीं आ रहा सबको समझ में? आ रहा है सबको, आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। हर्षद रूट कंप्लीट का है, एन बी रूट के अंदर। अच्छा अब अगर वी आर एम एस आ गया तो तुम एक काम और भी तो कर सकते हो, वी आर एम एस तुमने निकाल दिया, वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर, वी एन स्क्वायर बाय, इस वी आर एस को ना तुम ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 kBT बाय पाई, और इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, एक डेढ़ घंटा साथ 3 RT by pi, और ये आ जाएगा रूट ओवर 3 PV by pi। सेम प्रोसीजर है, इस यहां से यहां तक जाने के लिए वही सारे स्टेप्स करेंगे जो मैंने अभी करे थे, इतना लिख दीजिए, इतना लिख। अच्छा सॉरी, इसमें ना बस पाए नहीं आ कर, स्टेप्स वही है जो आपने पहले करे थे, 3 PV by, इतना लिखिए। इतना लिख लो, लिख लिया होगा इतनी देर में तो ना, फिर नेक्स्ट करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्कीम। तुम साथ क्यों जल्दी है इतनी, वैसे भी तुम जो स्कूल में हो वहां तो ये आएगा नहीं, नहीं आपके स्कूल में नहीं आता है। देखिए यस शफर, अगर आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड दी हुई है, मैं आपसे कहता हूं 1 की 5 है, 1 की 10 है, 1 की 20 है ना, इंडिविजुअल स्पीड्स दी हुई है, तो आप इसे यूज कीजिएगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर दे देता है गैस का, प्रेशर दे देता है, मोलर मास दे देता है, तब आप इसे यूज, ठीक है शफर? अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज दी हैं तो आप ऊपर वाला लेंगे, अदरवाइज आप नीचे वाला लेंगे। अच्छा इसके बाद एक तीसरे टाइप की स्पीड और होती है जिसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो देखो जरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या मतलब, नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मींस वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बाद पास है। जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी उस स्पीड को कहते हैं दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपको 5 मॉलिक्यूल दिए, मैं कह रहा हूं 1 मॉलिक्यूल की स्पीड 3 है, 1 मॉलिक्यूल की 2 है, एक और मॉलिक्यूल है जिसकी 3 है, 1 की 4 है और एक और की 3 है, तो मुझे बता सकते हो कौन सी स्पीड है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है? 3 है ना, 3 की स्पीड 3 मॉलिक्यूल्स के पास है, सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल।
तो मोस्ट प्रोबेबल मींस द स्पीड विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो स्पीड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एमपीएस, एमपीएस, सो मोस्ट प्रोबेबल। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इट्स रूट ओवर, इट्स 2 केबीटी बाय एम, और इसे आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 आरटी बाय एम, और इसे आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 पीवी बाय। अच्छा कोई बता सकता है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एवरेज, आरएमएस या मोस्ट प्रोबेबल? मरियम सही है, राहिब सही है, हर्षद गलत है, फातिमा सही है, साजिद गलत है। अरे सबसे बड़ी क्या होगी यार, क्या बेवकूफी, आरएमएस सबसे ज्यादा है भाई, 8 बाय पाई कितना होता है, 8/3, सो इट्स 2 पॉइंट समथिंग, ये तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है भाई, सबसे कम है मोस्ट प्रोबेबल। तुम्हारी पता नहीं मैथ, तुम्हें कंपेयर भी करने आता नंबर। फिर है वी एवरेज, और सबसे ज्यादा होती है वी आरएमएस। अबे ऐसे देख लो यार, केबीटी बाय एम तो सब जगह सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट 3 है, तो ये तो ज्यादा है ही। यहाँ देखो 8 बाय पाई कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये बीच में आ जाएगा, सबसे ज्यादा यही होगी। कितनी सी चीजों में गड़बड़ाते हो, तो ये याद रखना ये रिलेशन। चलो इतना लिख लो, इतना लिख लीजिए। अच्छा चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए। तो ये आपको स्पीड्स पता चल गई कि अलग अलग स्पीड्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं ना थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, वैसे सही मायनों में जो बुक्स में सीक्वेंस होता है अक्सर बुक्स में वो ये होता है कि मुझे पहले प्रेशर की डेरिवेशन कराना चाहिए, फिर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आनी चाहिए। मैं जरा स्कूल्स के और एग्जाम्स के वेटेज के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। यहाँ मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट से आते हैं, तो पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे, स्पेसिफिक हीट करेंगे, और लास्ट में हम प्रेशर कराएंगे। तो देखिए जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स in which
सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो देखो एग्जैक्टली ये है क्या चीज, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक एटम दे दिया, मोनो एटमिक गैस दे दी। मोनो एटमिक गैस मींस वो गैस जिसमें सिर्फ एक ही एटम होगा, मान लो एच दे दिया मैंने, सिर्फ ये दे दिया। मैं कहता हूं बताओ उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछने से मेरा मतलब ये कि इस एटम के अंदर कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं। तो आप मुझसे कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, इट कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस हाइड्रोजन एटम कैन हैव ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग जेड एक्सिस। यही होगा ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस पार्टिकल कैन हैव ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, this can have translational motion along y axis and it can have translational motion along z axis, so it can have translational motion along three axes। so ye kahani aa gayi monoatomic gas ki, agar aapke paas ek monoatomic gas hai to x ke along y ke along z ke along teeno ke along ye translational motion kar sakta hai, to aap kahoge ki iska degree of freedom is 3। degree of freedom ko na yaar main duf se represent karunga, duf likh de do degree of freedom। ये क्लियर हुआ या मैं एफ लिख दिया करूंगा? हाँ भाई साजिद, पॉइंट मास रोटेट नहीं कर सकता, रोटेट करने के लिए रिजिड बॉडी होना जरूरी है। एक पॉइंट मास रोटेट नहीं कर सकता, रोटेट करने के लिए जरूरी है कि रिजिड बॉडी। नहीं मरियम, अरे स्ट्रक्चर नहीं बनाया साथ, मैंने सिर्फ ये बताया कि पार्टिकल एक्स के लॉन्ग भी जा सकता है, पार्टिकल y के अलोंग भी जा सकता है, z के अलोंग भी जा सकता है, तो एक्सिस बनाए x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। x के अलोंग ट्रांसलेशन हो सकता है, y के अलोंग ट्रांसलेशन हो सकता है, z के अलोंग भी ट्रांसलेशन। अच्छा अब किसी को लग रहा है सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं हो सकता, तो देखो भाई थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है थ्री ट्रांसलेशन, है ना मरियम। अब देखो तुम जो सोच रही हो वो क्यों गलत है, अगर मैं एक डायटमिक गैस दे दूं तो इसके साथ क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकती है, ये y एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट कर सकती है, z एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट कर सकती है, तो ट्रांसलेशन की वजह से थ्री आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये रोटेट भी तो कर सकता है, ये दो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, x एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, तो दो और आ जाएंगे रोटेशन से, तो टोटल कितने आ गए, फाइव डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं इसका एक सीधा सा फॉर्मूला बताऊंगा कैलकुलेट करने का, सो इट कैन हैव, यू कैन हैव सेवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं, तीन टाइप के मोशंस होते हैं ना, ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितने टाइप के मोशंस होंगे उतने टाइप की तो एनर्जीज आएंगी भाई। रोटेट डायटमिक मॉलिक्यूल है, यू हैव टू मॉलिक्यूल्स एट सम सेपरेशन, इट्स अ रिजिड बॉडी, it is a rigid body, it's a rigid body, hai na Harshad, it cannot rotate along x axis, its moment of inertia along x axis is zero, hai na। aap x y axis pass karoge to moment of inertia kitna aayega, zero, torque zero, it cannot rotate about x axis, it can rotate about y and z axis, so ye degree of freedom hai, five ho jayega। aise hum agar main chahun to main triatomic पॉलीएटमिक गैस करता चला जाऊं, तो वेरी लेंथी प्रोसीजर, ये तो सिर्फ एक फील देने के लिए था कि एक्चुअल में व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। हां साथ देखो डायटमिक है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं तो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन, तीन ट्रांसलेशन हो गए। रोटेट कर सकता है वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, तो दो रोटेशन हो गए, टोटल फाइव। अभी शायद आया सार, मेहनत करने लगा है, वेरी गुड, सोचता है। अरे सार नहीं आया, आया चलो गुड, इतना लिख लो, फिर एक सीधा सा फॉर्मूला देखते हैं, बहुत आसानी से फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाता है, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा वहां से आप कर लेंगे। लेकिन है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम और वो फॉर्मूले से जो नंबर्स आ रहे हैं उनका मतलब क्या है वो आपको यहां दिख गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है इस डिटेल की, बट चलिए आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर बेसिकली शो क्या कर रहा है। रब कर दूं यार इसे,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला होगा, एयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के इज कंस्ट्रेंट्स। के इज कंस्ट्रेंट्स, के इज कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। ड्राइव वो यहां से ड्राइव होकर दिखेगा आपको थर्मोडायनामिक्स में, जो F बाई टू आर आता है ना वो आपको यहां से दिखेगा, वही वो जो आपने स्पेसिफिक हीट्स के रेशियोज जो देखे थे वो यहां से दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मोनो एटॉमिक गैस है, अभी दिख जाएगा मरिया मर वो के आपको दिख जाएगा। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का क्या मतलब है, एक एटम n इक्वल टू वन, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई दूसरा होगा तो रिलेशन होगा ना, तो k इक्वल टू जीरो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, n की जगह वन रख दो, k की जगह जीरो रख दो, डायटॉमिक में दे दूं, इफ यू हैव अ डायटॉमिक गैस दैट मींस नंबर ऑफ टू, दो मॉलिक्यूल, एक ही तो रिलेशन है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो के इज इक्वल टू वन। जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटमिक के बाद एक और एट्राटमिक गैस, ट्राटमिक गैस में क्या होगा, ट्राइटमिक गैस में दो केसेस आते हैं, एक केस आता है लीनियर का, ट्राइटमिक गैस विच इज लीनियर, सो दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल, योर एन इज इक्वल टू थ्री, योर कंस्ट्रेंट्स आर टू, योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री इंटू एन था ना, सो थ्री इंटू थ्री माइनस के विच इज टू, इट्स नाइन माइनस टू, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फोर। दूसरा हो सकता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अगर ये नॉन लीनियर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम इज थ्री, कंस्ट्रेंट्स कितने हो गए थ्री, तीन रिलेशन है ना, देखो यहां तो एक दो रिलेशन थे, यहां एक दो तीन, तीन रिलेशन, F आ गया थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री, तो F आ गया सेवन। तो ऐसे तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। राहत दोनों होते हैं ना, ट्राइटमिक लीनियर भी होता है नॉन लीनियर भी होता है। तो जो आपने पढ़ रखा है ना F बाई टू आर, वो कहां से आता है, कैसे डिराइव होकर आता है, वो सब आपको यहां दिख जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ट्राइटमिक लीनियर इज सेवन, ट्राइटमिक नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, वाइब्रेशन भी होने लगता है, तो वाइब्रेशन की वजह से भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, नॉन लीनियर में नहीं होगा। अभी लिख लिया ना, अच्छा अब अगर आप ढंग से सोचें तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक टाइप का मोशन बता रहा है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर एक लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ
इक्विपार्टीशन यार साथ क्यों वन होगा, देखना जरा कितने रिलेशन है, कितने रिलेशन है काउंट करो, एक एक ये मॉलिक्यूल में पहला रिलेशन है ना, रिलेशन काउंट करते रहो, के वन क्यू होगा, थ्री होगा ना, जब तीन रिलेशन है तो के थ्री होगा, के नंबर ऑफ रिलेशन है भाई, सात नंबर ऑफ रिलेशंस, जितने भी कनेक्शन हैं, यहां देखो इन दोनों से कनेक्ट हुआ एक, यहां कनेक्ट हुआ दूसरा, दो कंस्टेंट्स, ये किसने कहा कि इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, जितने भी कनेक्शन हैं, ये इससे कनेक्टेड है वन, ये इससे कनेक्टेड है टू, ये इससे कनेक्टेड है थ्री, सेम कनेक्शन नहीं है ना बाबू, देखो ए और बी कनेक्टेड है, बी और सी कनेक्टेड है, ए और सी कनेक्टेड है, अलग अलग कनेक्शन है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, ये कहता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी। मेरी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, विच ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट्स हाफ के बी टी, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट एनर्जी इन अ गैस मॉलिक्यूल, साथ आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कैलकुलेट एनर्जी इन अ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग लेट्स से 5 डिग्री ऑफ, जल्दी बता दो मुझे कितना आ जाएगा, एक गैस मॉलिक्यूल्स में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक हर्षित का आया जो सही है, और बताओ कायनात, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, वीडियो ऑफ कर दूंगा तो शायद कम परेशानी हो आपको, जब इंटरनेट खराब हुआ करे ना मुझे बता दिया करो, बच्चे मुझे बताते रहते हैं इसीलिए मैं वीडियो ऑफ करता रहता हूँ, वीडियो ऑफ कर दूंगा तो फिर कम पर काम चल जाता है। एक हर्षित का आंसर आया बस, और किसी का नहीं आया, शफात का सही है, हाँ मुबशरा सही आ रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना 5 है, हर किसी के लिए कितना है 1/2 kbd, तो कितना आ गया 5/2 kbd। भाई बताओ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज करना आ गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज करना आ गया, मैं
सुनो साहब, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी कितनी? हाफ के बी टी। अगर मैं कह रहा हूं एक सिस्टम में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितनी होगी? 5 को हाफ के बी टी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं कहता हूं किसी में डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है तो हाफ के बी टी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कहीं 20 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 20 को हाफ के बी टी से मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलो गुड, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद कायनात, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, अगर फिर आपका कुछ कनेक्शंस के इश्यूज हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑफ कर दूंगा। इसके बाद जो अगला आता है ना वो है आपका, कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करवाता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। स्पेसिफिक हीट मैंने आपको पढ़ाया था, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने किया था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जो इसकी स्पेसिफिक होती थी वो होती है डी यू ओवर डी टी, यू इज इंटरनल एनर्जी। एंड टी इज टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और एक मेयर्स फॉर्मूला होता है, एक सीपी मैं यूज करूंगा, इतना लिख लीजिए, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अरे भाई साद, v वेलोसिटी होती है, यहाँ v क्या है? इंटरनल एनर्जी। जो आपने t लिखा वो टाइम होता है, यहाँ t क्या है? टेम्परेचर। क्या सारे दुनिया के t टाइम बना दोगे? t से और भी तो कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये कुछ थर्मोडायनामिक्स का था जो हमने अभी पढ़ा, लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में वो ऐसा होता है, वो कहता है कि ओके कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। एक मोनो एटॉमिक गैस है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करो। बस ये कहता है सारी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करो। तो देखो तरीका क्या, पहला काम करो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। अब इस एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है? हाफ के बी टी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी होगी? 3 इंटू हाफ के बी टी। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 के बी इंटू टी।
ये टोटल एनर्जी है वन मॉलिक्यूल। टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने है ना, आपको टोटल एनर्जी चाहिए। तो मुझे चाहिए एनर्जी ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए। एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, 3/2 बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। एक मोल के लिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। केबी और एनए को मल्टीप्लाई कर दिया तो बताएगा कोई क्या होता है, केबी इंटू एनए किसे कहते हैं, केबी इंटू एनए किसे कहते हैं, आर। इट्स 3/2 आर टी, इसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते थे। तो मॉलिक्यूल में, एक मोल मॉलिक्यूल में जो टोटल एनर्जी है दैट 3/2 आर टी। मुझे चाहिए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक हीट होगी उसे आप Cu से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है du ओवर dt। इसे आप लिख सकते हैं d ओवर dt ऑफ u, जिसे आप लिखेंगे 3/2 rt। तो देखिए 3/2 r तो बाहर हो गया, आप डिफरेंशिएट किसे कर रहे हैं, डी ओवर डी टी ऑफ टी को, तो टी का डेरिवेटिव वन हो जाता है, ये कितना आ गया 3/2। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गई, दिस इज 3/2 आर, 3/2 आर। अब आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी आ गया, अब आप सीपी निकाल लीजिए, सीपी माइनस सीवी में जो रिलेशन होता है वो आर है। हर्षित आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा ना, सीवी की वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो सीपी आ गया, स्क्वेल्सियम ले लो तो 5/2 आर हो जाएगा। अब एक चीज और कहता है, कहता है गामा निकाल दो। गामा याद है ना, सीपी और सीवी का रेशियो जो एडियाबेटिक प्रोसेस में यूज करते थे, ये कितना आ गया 5/2 आर डिवाइडेड बाय 3/2 आर, आर से आर और 2 से 2 कैंसिल, इट्स 5/2। तो गामा 5/3 आ गया। ये गामा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी और सीवी का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज गामा विच इज 5/3। भाई बताइए समझ में आया, तो फिर आगे आप करेंगे। अरे नहीं यार हर्षित, इंटरनल एनर्जी यार, टोटल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी है, सारी एनर्जी आ तो गई जब मैंने इंटरनल एनर्जी लिख दिया किसी को। दूसरी बात ये कि आप आइडियल गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, जो भी आएगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। चलो चलो भाई लिख दो इतना, इसके बाद तुम सॉल्व करोगे, इसके बाद की चीजें तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी। भाई आप सब लिख लें तो बताइएगा, अबे नहीं साथ रुक जाओ।
अरे नहीं हर्षित, ये गामा सीपी और सीवी का रेशियो है भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 था ना, इसे रेशियो कहते हैं, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कहते भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहाँ लिखा 5 है, 3 है। लिखा आपने। अब एक काम कीजिए, अगर इतना लिख लिया तो अब आप एक सॉल्व करके दिखाइए मुझे। क्या कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्रायटमिक लीनियर मॉलिक्यूल। अर्षित मैंने करा दिया बाबू, वो पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब मैंने करा दी। बार बार क्वेश्चन क्या लिखूंगा मैंने, एक ही बार में आपको सब कुछ करा दिया। चलिए भाई करिए, ट्राइटमिक लीनियर मॉलिक्यूल है, कर दीजिए इसके लिए। सीवी निकाल दो, सीपी निकाल दो, साजिद का आया, ठीक है साजिद, वेरी गुड, सही आ रहा है। वेरी गुड साजिद, सही आ रहा है। शफात सही आ रहा है, गुड। ठीक है साजिद, गामा भी सही आ रहा है। ठीक है कायनात, कायनात इंटरनल एनर्जी सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है राहिब, हाँ ठीक आ रहा है, पूरा लिखो राहिब। ठीक है अलीना, सीपी और सीवी दोनों सही आ रहे हैं, सात गलत आ रहा है, सामिया सही है, हर्षित ठीक है, मरियम ठीक आ रहा है, हमदा का भी ठीक है, राहिब ठीक आ रहा है। चलिए भाई वेरी गुड, ये लिख लिया आप लोगों ने। सो लेट्स कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ट्राइटमिक लीनियर मॉलिक्यूल। मैं यही कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा देखो, यही मैं छोटे छोटे चेंजेस कर देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 7 है ना, ट्राइटमिक लीनियर का 7 था, तो यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7, 7. यहां भी आप 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, अरे साथ देखो समझ जाओगे तुम, जल्दी देखो ढंग से, 7/2, बस सिर्फ यहां चेंज होना है और कहीं कोई चेंज नहीं होना, कहीं कोई चेंज नहीं होना।
रेशियो निकाला है मरियम, सिर्फ 7 आ जाएगा। 7 जरा पलट के देखो, कौन सा मैंने मॉलिक्यूल दिया है, लीनियर या नॉन लीनियर, जल्दी पलट के देखो जल्दी से। 7 7 वाइब्रेशनल हर्षित, तो ये आ गया जी जी जी, दोनों वाइब्रेशन जी। सामिया आप हर क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा गामा के लिए, मैंने तो बस मेंशन करा नहीं, मेंशन होगा हमेशा गामा मेंशन। सेवन बाई टू, 9/2 गामा क्या आ जाएगा, CP/CV। एक वाइब्रेशन होगा हर्षित, अगर एक मॉलिक्यूल है ना, एक वाइब्रेशन हो रहा होगा। जब दो लीनियर में दो है तो वो दो दो मॉलिक्यूल कर वाइब्रेट होंगे, एक्सिस स्पेसिफिक नहीं मॉलिक्यूल स्पेसिफिक। So that is gamma which is 9/7, ये gamma की वैल्यू। चलिए चलिए, वेरी गुड, लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीपी और सीवी का रेशियो सामने, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज नोन एज गामा। नहीं हर्षित, वहां दो वाइब्रेशंस हो नहीं सकते, क्लोज सिस्टम है ना, दो वाइब्रेशंस नहीं हो पाए। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, हालांकि ये आपसे एनसीईआरटी वगैरह में कोई पूछता नहीं है, कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन, इसको याद रखिएगा, लिखिए साथ, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, साथ आप लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। एनर्जी एसोसिएटेड विद, अगर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए ना, each vibrational degree of freedom is kbt, ये याद रखिएगा। translational degree of freedom से associated energy कितनी थी, half kbt, rotation से कितनी थी, half bt थी, but vibration में kbt होती है, double हो जाता है, 2 × kbt लिख दूं मैं इसे, मतलब ये नहीं थी NCERT में बहुत। उसका रीजन ये है कि जब वाइब्रेशन होता है तो दोनों एनर्जीज आती हैं, काइनेटिक भी आती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो आप जो परेशान हो रहे थे हर्षित, उसका रीजन ये है कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जीज होती है, तो जिसको आप दो काउंट कर रहे हो ना, बेसिकली एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसकी वजह से दो एनर्जीज आती है, 2 × 1/2 के लिए। अब इससे ज्यादा मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा सकता, ये है नहीं आपके एनसीईआरटी वगैरह में, इसको लिख लीजिए बस, कहीं याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. अच्छा वैसे तो इसका एक्सप्रेशन ही यूज होता है बट इट्स अ वेरी क्लासिकल डेरिवेशन, ये होनी चाहिए. मैं ये डेरिवेशन डिराइव कर आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है इसे डिराइव करने में. मैं डिराइव करके रिकॉर्ड कर आपके साथ शेयर कर लूंगा. आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछता लेकिन है बहुत मजे की डेरिवेशन, मतलब जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी है सब इसके अंदर एक साथ यूज हो जाती है. तो मैं रिकॉर्ड कर आपको भेज दूंगा. जो चीज यूज होती है बुक्स में मैं वो लिख रहा हूँ. इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं कि अगर एक गैस है, गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी दैट्स 1/3 रो वी स्क्वायर. तो ये बेसिकली वी आरएमएस है. तो दिस इज पी इज प्रेशर. ये जो हम लिखते थे ना कि गैस प्रेशर एग्जर्ट करी, ऑक्सीजन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो वो बेसिकली आरएमएस वेलोसिटी की वजह से आता है एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. मैं फिर कह रहा हूं मैं ये डेरिवेशन रिकॉर्ड कर आपके साथ शेयर करूँ. आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन करिएगा एक बार जरूर सुनिएगा इस डेरिवेशन, बड़ी क्लासिकल डेरिवेशन. पी इज 1/3 रो वी आर. इसी को यूज कर आप टेम्परेचर और वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं. इसे कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. इसे आप कहते हो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को रिलेट करता है. तो देखो वो काम करते कैसे. पी धना 1/3 रो वी. अब मैं आरएमएस को बस वी लिख रहा हूं, समझ जाना है कि ये वी आरएमएस 1/3 रो वी स्क्वायर. रो डेंसिटी है. डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं इट्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वी. अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, v को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा p इंटू वी इज 1/3 m इंटू वी स्क्वायर. 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो पी वी आ गया इट्स 2/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी. ई लिख रहा हूं विच इज काइनेटिक एनर्जी. सो आप अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दो, लेट्स से इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर 2 है. 2 को अगर आप 1 में रख दो तो आपका पी वी आ जाएगा इट्स 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लूं, ये अज्यूम करते हुए कि ये जो गैस थी आइडियल है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल. आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए. तो आप लिख सकते हो भाई PV इज इक्वल टू RT. रख दो यहाँ तो RT कितना आ गया 2/3E. तो देखो टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है. टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है, इसी को कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. तो गैस का टेम्परेचर जो है दैट्स बेसिकली द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. ओके सो दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस. मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन भी मैं जो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा उसमें डाल दूंगा. द क्वेश्चन इज यूजिंग पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर डिराइव फर्स्ट बॉयल्स लॉ, सेकेंड चार्ल्स लॉ, थर्ड केलसैक्स लॉ. चलिए लिख लीजिए. ठीक है सर, इसे लिख लीजिए. इसके साथ आपका सिलेबस खत्म हुआ. नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट हैं,
टेस्ट सीरीज का शेड्यूल में भेज दूंगा, तो नेक्स्ट वीक सिर्फ टेस्ट होंगे, उसके बाद से फिर अभी तो कई स्कूल से यार एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, तो फिर मैं वहां से रिविजन स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे आपका टेस्ट होगा, जो शेड्यूल होगा सिलेबस टेस्ट का वो हम शेयर कर देंगे। भाई अब मैं एक एक के बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चीजें चेंज कर सकता। यस हर्षित बताइए। हर्षित ये सब मैं करा चुका हूँ, जिन बैचेस में मुझे कराना था मैंने करा दिया, आप जिसमें आ रहे हैं उसमें भी होगा, वहां आप कर लीजिएगा। जी जी मैं करा चुका हूँ। सामिया ताकि ये काइनेटिक एनर्जी बन जाए, काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ताकि ये काइनेटिक एनर्जी बन जाए इसलिए। कायनात बैच स्टार्ट होती है हमारी 25th से, 25th मार्च से हम स्टार्ट करते हैं, 25th मार्च 26th मार्च हर साल 25th और 26th से स्टार्ट होती है बैच, तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो मरियम यहाँ पर सिर्फ ये किया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हुआ क्या, ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन गया, 2/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर को ई लिख दिया। ठीक है मरियम, चलो ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस। आपके साथ शेयर करूंगा टेस्ट सीरीज की डेट, वो दीजिए आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस की टाइमिंग। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, ओके बच्चों अल्लाह हाफिज, ओके हर्षित।